सूर्यवंशी माँ बच्चों से मिलने मिनी मधुबन में कब आवेगी? है क्यों माँ को बच्चों से मिलना नहीं चाहिए? है क्या मिनी मधुबन में नहीं आना चाहिए? और मिनी मधुबन में सलामी बच्चे बैठे हो और यूरोपवासी ट्रां ट्रां करने वाले सारा दिन बैठे हो, अशांति फैलाने वाले बैठे हो, माँ का तो स्वभाव शांत रहने का है, तो डटेगी। शास्त्रों में दिखाते हैं सूर्यवंशियों की माँ जब शनि लोक में जाती है तो चारों तरफ मरते जाते हैं, पिटते जाते हैं, रोते जाते हैं, चारों तरफ से गंदी गंदी आवाजें आती हैं, डरावनी, तो धड़क जाता है उसका दिल, शनि लोक से भाग खड़ी होती है, मैं नहीं रह सकती इस वातावरण में। तो मिनी मधुबन में या मिनी मधुबनों में सूर्यवंशी माँ को बुलाना है तो क्या करना पड़े? वातावरण शांत बनाना पड़े। सवाल आया है कि जिसमें ज्यादा प्योरिटी होती है वो ही परिवर्तन करते हैं, प्योरिटी से ही परिवर्तन होता है, और सती अनुसुईया में जितनी प्योरिटी होती है उतनी तीनों देवियों में नहीं होती, अर्थात तीनों देवियां भी उनके आगे झुकती हैं। तो बाबा सती अनुसुईया को परिवर्तन शक्ति क्यों नहीं बोला? जो सती अनुसुईया है वो सूर्यवंशियों की मां है या सब वंशियों की मां है? सारे वंशियों की मां नहीं है, चंद्रवंशियों की भी मां नहीं है, वो सिर्फ सूर्यवंशियों की मां है। और सूर्यवंशियों में भी जो पहला पहला परिवार की इकाई होती है उसमें कितने भांति होते हैं? है उसमें भांति होते हैं मुख्य आठ, बाद में चार और ऐड होते हैं, बारह सूर्यवंशियों की मां है, बाकी तो सब प्रजा है। तो जो राजाएं हैं उनको रुद्रमाला के अंदर संगठित रहने का पार्ट बजाना तो पड़ता है, लेकिन वो पार्ट भी किसी को देख करके बजाएंगे या ऑटोमेटिक बजाएंगे? एडवांस पार्टी में पहले पहले सरेंडर कौन होता है? जगदम्बा।
जगदम्बा को देख करके फिर और दूसरे सरेंडर होते हैं। तो ऐसे ही माया जब फाइनल पेपर लेगी और सबको फेल कर देगी, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, सारी दुनिया एक तरफ हो जाएगी और बाप एक तरफ हो जाएगा। उस समय बाप का सहयोगी बनने वाला पहला पहला कौन निकलेगा? कोई निकलेगा या नहीं निकलेगा? है जो एक पहले निकलेगा, जैसे जगदम्बा मां पहले निकली थी, ऐसे ही जो एक पहले निकलेगा उसको सब फॉलो करने लग पड़ेंगे। तो वो परिवर्तन शक्ति दूसरे प्रकार की है। ये ज्ञान के आधार पर परिवर्तन शक्ति है या जन्म जन्मांतर की परिवर्तन शक्ति की पावर है? नहीं, ज्ञान के आधार पर परिवर्तन शक्ति है। बाप की पहचान माने ज्ञान। वो बाप की पहचान उतनी न जगदम्बा में है, न गंगा में है, न लक्ष्मी में है, जितनी पहचान सती अनसुईया में है। बाबा कहावत है, अपना हाथ जगन्नाथ। क्या क्या है कहावत? अपना हाथ सारे जगत का नाथ। परंतु जगन्नाथ को तो भुजा ही नहीं दिखाते। उनको अपना हाथ है ही नहीं, तो फिर ये कहावत कैसे बन गई कि अपना हाथ जगन्नाथ? बताओ। है हाथ किसे कहा जाता है? है बुद्ध रूपी हाथ तो है, मन बुद्धि तो आत्मा को कहा जाता है, वो हेल्पर हैं कोई न कोई, आत्मा के रूप में सहयोगी तो हैं। दाएं हाथ के सहयोगी भी होते हैं और बाएं हाथ की भी सहयोगी होते हैं। चलो जगन्नाथ को हाथ तो नहीं दिखाते, हाथ नहीं दिखाते हैं, फिर भी आजू बाजू में कोई साथ दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं? है? बलराम और सुभद्रा को दिखाते हैं। तो बलराम हुआ जो हल चलाता है, उसका हथियार कौन सा है? हल। वो धरणी को चीर देता है। धरणी को चीरने का काम किसका है? है? बलराम का है, राम का नहीं है। तो जो बलराम है वो बाएं हाथ में दिखाया है और सुभद्रा दाएं हाथ की ओर दिखाई। वो सुभद्रा कौन है? है? अरे है लक्ष्मी, लक्ष्मी है सुभद्रा। बलराम कौन है? है? अरे बलराम कौन है? ब्रह्मा बाबा। और सूक्ष्म शरीर तो है ना, तो सूक्ष्म शरीर से वो दादा वाली आत्मा सदैव साथ साथ है,
या बिछड़ी हुई रहती है, सदैव साथ साथ है। और अंत समय का गायन है, अपना हाथ जगन्नाथ, ये कहां का गायन है? अंत समय का या शुरू के पुरुषार्थ का, मध्य पुरुषार्थ का? अंत समय का गायन है। तो अंत समय में ब्रह्मा वाली आत्मा बाएं हाथ के रूप में सबसे ज्यादा सहयोगी होगी, और दाएं हाथ के रूप में है सुभद्रा। कौन हुई सुभद्रा? योगी। वो ही पहले पहले सहयोगी बनती है। ब्रह्मा बाबा तो सूक्ष्म शरीरधारी है, उसके सहयोगी बनने न बनने का उतना काउंटिंग नहीं होगा जितना साकार शरीरधारियों का काउंटिंग होता है। तो साकार शरीरधारियों में जो दाई ओर की भुजा के रूप में सहयोगी है वो सुभद्रा है। ये अपना हाथ जगन्नाथ है, उनका अपना हाथ है, ये पराया हाथ नहीं है। ब्रह्मा बाबा भी अपना है, क्योंकि बाप दादा साथ साथ कहा जाता है। यहां भी साथ साथ हैं और वहां भी साथ साथ होंगे। तुम बच्चे बाप दादा को अलग अलग करेंगे, वो फिर मिलकर के एक हो जावे। माने जो विधर्मी आत्माएं हैं वो फूट डालती हैं, बाप दादा फिर इकट्ठे हो जाते हैं। तो अपना हाथ जगन्नाथ, ये सही कहावत है या झूठी कहावत है? है सही कहावत है। ओम शांति। क्या हुआ? शांति धाम का वर्षा मिल गया? बाबा एक पास का चौवन सीटी में बताया गया कि 4.5 लाख को, 4.5 लाख को जन्म देने वाले 4.5 लाख बीज रूप आत्माएं हैं। जब 4.5 लाख बीज रूप हो गए तो धर्मी इनसे 4.5 लाख बीज आत्माएं, 4.5 लाख बीज रूप आत्माएं क्या हो गई? 4.5 लाख बीज हो गई। हाँ, तो धर्मी फिर जिससे कि 4.5 लाख देवता है जन्म लेंगे, उसी में बताया गया है कि माता को धर्मी कहा जाता है, माता को बीज नहीं कहा जाता। धर्मी कहा जाता है, धरणी कहा जाता है। धरणी माने धरती, आधार है। आधार बीज को धारण करता है, बीज ज्ञान को कहा जाता है। 4.5 लाख मतलब जन्म लेने, जो जन्म लेने वाले हैं उनको धरणी कह सकते हैं। जो बच्चों के रूप में जन्म लेंगे, जिनसे जन्म लेंगे, हाँ, और जिनसे जन्म लेंगे वो पहली डिनेस्टी की वो आत्माएं हैं जो दुनिया के सभी धर्मों के मुकाबले ज्ञानी तू आत्माएं हैं। जिन आत्माओं के लिए कहा कि ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है, ये प्रजावर्ग में भी भले हों तो भी बाप की नजरों में विशेष प्रिय आत्माएं हैं।
पहले जन्म की प्रजा की भी कोई विशेष खसूसियत होती है, वो यही खासियत है कि दुनिया वालों के मुकाबले वो ज्ञान में बड़े तीखे होते हैं, क्योंकि ज्ञान सूर्य के डायरेक्ट बच्चे हैं। और सवा दो लाख जो हैं वो स्त्री चोले वाले और सवा दो लाख पुरुष चोले वाले, लेकिन जो भी हैं वो सब पक्के सूर्यवंशी हैं। चंद्रवंश का लेश मात्र भी नहीं, आदि में भी सूर्यवंशी थे और अंत में भी सूर्यवंशी बन के प्रत्यक्ष होंगे। हाँ, अब तो 12 वर्ष पूरा हो गया, राम वन से आ गए, दीपावली दिन एकदम दिया भर गया, आज ही भर गया, 12 वर्ष पूरा हो गया, आज दीपावली है, जैसे राम वन से आए। 1 साल पहले दीपावली नहीं थी, 1 साल के बाद फिर होगी दीपावली। अबे 1 साल बाकी है। 1 साल पहले हुई कि नहीं, तो 1 साल पहले भी आ गए होंगे, तो तुम्हारे घर में तो हर साल राम आते रहते हैं। और ज्ञान के बाद भक्ति आती है, तो संगम युग में पहले ज्ञान रहा कि भक्ति रहा? संगम में जब निचाट शुरुआत हुई थी, बाप आया तब संगम शुरू हुआ या आने से पहले संगम शुरू हुआ? जैसे ही बाप आता है, भले अकेले नहीं आता, 3 बच्चों के साथ आता है, जरूर 3 बच्चों में एक ज्ञानी है, एक अज्ञानी है, एक सन्यासी है। जिनके लिए बोला है सन्यासियों के लिए, ये बड़े बड़े सन्यासी जब निकलेंगे तो तुम बच्चों की जीत हो जाएगी। तो जीत पाने के लिए किन का आवाहन करना है? वो क्या है? हैं? सफेद कपड़ों वाले सन्यासी हैं। इसलिए जब बाप आते हैं तो बाप जिस तन में आते हैं वो तीसरा नेत्र है। तो पहले ज्ञान आया या पहले भक्ति आई कि पहले बैराग आया? पहले ज्ञान आया। अगर संगम में कहेंगे तो जो आदि तो ये अंत में प्रत्यक्ष हो जाएगा। ज्ञान की प्रारब्ध मिल जाएगी क्या? ज्ञान की प्रारब्ध क्या? सुख। अज्ञान की प्रारब्ध क्या? दुख। और
अगर 18 के बाद जो आत्माएं बाप को पहचाने की क्या वो स्वर्ग में नहीं आएगी? दो हजार अठारह के बाद जो पहचानेंगे वो सूर्य उदय होने के बाद पहचानेंगे या पहले पहचानेंगे? बाद में। ज्ञानी आत्माएं और अज्ञानी आत्माओं में फर्क क्या है? ज्ञानी आत्माओं के लिए अमृत वेले का विशेष महत्व क्या है? ज्ञानी आत्माएं अमृत पीने वाली होती है, क्योंकि अमृत वेले अमृत बरसता है। ये बेहद का अमृत वेला है जो सूर्य के प्रत्यक्षता रूपी उदय होने से प्रख्यात हो जाता है। सूर्य उदय होने के बाद जो पहचानेंगे वो भक्तों की लिस्ट में होंगे या ज्ञानियों की लिस्ट में होंगे? क्या कहेंगे? हैं? भक्त की लिस्ट में होंगे। तापमान भी तो स्वर्ग में आना चाहिए है? अब तापमान भी तो स्वर्ग में आना चाहिए ना। भक्त आत्माएं स्वर्ग में आनी चाहिए जो रावण के बच्चे हैं, तो फिर आप भी भक्त बने रहो। दिवाली मनाओगे कि नहीं मनाओगे? अरे दीपक जलाओगे कि नहीं जलाओगे? अरे आत्मा का दीपक जला रहे हो, स्थूल दीपक नहीं जलाओगे आज? है? आत्मा का दीपक तो अभी जलाते हैं, जलाते ही माया बुझा देती है, एक मिनट भी नहीं ठहर पाता। बाबा ब्रह्म पूजा में याद करने से कभी सूर्य सामने आते तो जल्दी नहीं आती है। हैं? बाबा का व्रत है याद करने से ब्रह्म पूजा में घर भर आती है, उसके बाद नहीं आती है। व्रत को क्यों याद करते हो? एक को याद करेंगे तो प्रवृत्ति मार्ग की याद है या निवृत्ति मार्ग की है? कोई को याद किया जाएगा बाद में, तो सूक्ष्म का जो दृष्टि है वो तो आता नहीं है, वो दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि इन आंखों से जो चीज दिखाई पड़ती है वो देखना जरूरी है, और जो इन आंखों से नहीं दिखाई पड़ती जिसका ज्ञान तीसरे नेत्र के रूप में दिया गया है वो याद करना जरूरी नहीं है। फिर होता ही नहीं तो कहाँ दिवाली बन जाएगी? तो दिवाली तो फेल कर दी। इसका मतलब आप भी दिया जलाएंगे जाके घर में, क्योंकि वो नहीं होता तो यही सही। भक्ति मार्ग भी मुर्दाबाद हो जाए और ज्ञान मार्ग जिंदाबाद हुआ नहीं, दोनों तरफ से चले जाएंगे, उससे तो अच्छा भक्ति मार्ग में ही चलते रहे। अरे क्यों नहीं याद आएगी आत्मा की? जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करने से क्या नहीं हो जाता है?
आदमी क्या नहीं कर सकता है। मनुष्य सब कुछ कर सकता है। भगवान की मत पर चलता रहे तो बाकी इतना जरूर है जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। जहां हमारा तन होगा वहां हमारा मन होगा, जहां हमारा धन होगा वहां हमारा मन होगा। तन और धन की ताकत और जन बल की ताकत जहां कहीं भी लगाएंगे वहीं हमारा मन भागेगा। अगर ईश्वर के कार्य में लगावेंगे तो ईश्वर न याद आवे ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि बाप का विरुद्ध है। मैं सर्व सेवल बच्चों को याद करता हूं। सर्व सेवल माने मध्याजी भव, जो मेरे लिए काम करते हैं, मेरे लिए यजन करते हैं, यज्ञ करते हैं, अर्थात सेवा करते हैं, मैं उन बच्चों को याद करता हूं। तो चलो हमारे मन में तो इतनी ताकत नहीं है कि हम भगवान को निरंतर याद कर सके, लेकिन भगवान हमको याद करता है। तो हमें याद आवेगी या नहीं आवेगी? भगवान जिसको याद करे उसके दिल को राहत न मिले ऐसा हो नहीं सकता। दिल से दिल को राहत मिलती है। बड़ी दुकान वाला हो, छोटी दुकान वाला हो, बड़े कारखाने वाला बाप हो, छोटे कारखाने वाला बाप हो, उस कारखाने को, उस दुकान को जो बच्चा संभालेगा, बाप उस बच्चे को याद जरूर करेगा। बाप की बच्चों में उम्मीद रहती है कि ये बच्चा मेरा नाम बाला करेगा। तो बाप याद करेगा तो बच्चे को जरूर अंदरूनी खुशी आती रहेगी। प्यार कभी छिपता नहीं है, प्यार को ही याद कहा जाता है। इसलिए बाप कहते हैं याद मत करो, लवलीन हो जाओ, याद में खो जाओ। जन बल है जो घर के संबंधी हैं, परिवार के संबंधी हैं, गांव के नजदीकी हैं, परिचित जन हैं, वो जन बल ही तो है, उसे क्या कहेंगे? है जन बल है। अगर हम अपनी बुद्धि को, अपने तन को, अपने मन को उस जनबल के कल्याण में ही रमाए रहेंगे तो मन कहां जावेगा? है वहीं जावेगा, भगवान में नहीं जावेगा। ये स्वाहा करने वाली बात है। स्वाहा करना माने अर्पण में होना। चाहे धन अर्पण करें, चाहे तन अर्पण करें, चाहे जन बल अर्पण करें। मनोबल को लिए तो कह दिया हमारे, तो हम को तो एकाग्रता होती ही नहीं, याद ही नहीं आती।
तेसर जन्मों से मन भटकाया है, तो प्रैक्टिस पड़ी हुई है भटकने की। और मनुष्य गुरुओं ने तो और ही सत्यानाश कर दिया भगवान को सर्वव्यापी कह के। सर्व में व्यापक है तो सर्व में बुद्धि भटकती रहेगी। समझते हम समाज से भी हैं, समाज की सेवा करना यही भगवान की सेवा करना है। अरे समाज में भगवान प्रवेश है क्या? अनेकों में भगवान समय प्रवेश है क्या? भगवान तो सर्वव्यापी है ही नहीं, भगवान तो एक व्यापी बनकर के आता है। और उस एक व्यापी को पहचानना ये भी बड़ी भारी परीक्षा है। ये बेसिक नॉलेज की बड़ी से बड़ी परीक्षा है। भगवान को पहचानना जो एक व्यापी है, अगर पहचान नहीं है तो याद आने का कोई सवाल ही नहीं है। मुरली लगाते हैं, मुरली खत्म हो जाता है, भाषण आता तो सुनने का जो मुरली सुनते हैं तो उसमें कोई भाषण आता है, वो भाषा का भाषण नहीं है। सुनने का है कि नहीं वो पूछ रहा हूँ। ये किसने कहा नहीं सुनने का है? अरे बाबा तो कहते हैं जो कागज में पढ़ा, कागज से सुना वो थर्ड क्लास, और जो मुरली में सुना वो मुरली जो टेप रिकॉर्डर में आती है वो ज्यों का त्यों सुनाती है, इसलिए वो सेकंड क्लास है। जो बाद में लास्ट में वो अपना एडवर्टाइज देते हैं उसमें भर देते हैं उसमें आता है कोई चीज का सुनने का समाचार आता है, दुनिया की समाचार, दुनिया का समाचार आता है सुनने का आगे मुरली के बाद जैसे अरे वो मुरली है कि वो रेडियो से आता है? तुम्हें यही पता नहीं चला कि मुरली क्या है? जो जो तुमने भगवान को समझा कि ये मुख भगवान का मुख है, सन्मुख है, सत्य मुख है, ये सत्य है, ये मुख सत्य बोलने वाला है, वो सत्य मुख के द्वारा सुनाई हुई मुरली है, वो मुरली कही जाती है। बाकी रेडियो तो पता नहीं कौन कौन बोलता है। बाबा है रामचंद्र कहते हैं, कृष्णचंद्र कहते हैं, तो क्या चंद्रवंशी में आते हैं सब लोग? है रामचंद्र कृष्णचंद्र है, तो क्या इसका मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि राम वाली आत्मा भी जो है वो चंद्रमा के प्रभाव में आ जाती है, पहले पहले कुछ न कुछ प्रभाव में रहती है,
इसलिए रामचंद्र कहा जाता है। और कृष्ण वाली आत्मा वो तो चंद्रमा है ही। इसलिए कृष्णचंद्र और रामचंद्र कहा जाता है। और हाँ जी हाँ, चलन से पता नहीं चलता, उसकी भाषा से, उसकी दृष्टि से, उसकी चलन से, उसके व्यवहार से पता नहीं चलता, वाइब्रेशन से पता नहीं चलता। ये सिर्फ बाप को ही पता चलने की बात है कि औरों को भी पता चल जाता है। इंद्रियां हैं, इंद्रियां अपना कार्य तो करती है। इंद्रियां अगर कंट्रोल से बाहर हैं, तो जो इंद्रियां कंट्रोल से बाहर रहने वाली हैं, चाहे आंखें ही क्यों न हो, तो आंखों की गति देखने से पता नहीं चलता है कि ये आंखें स्थिर हैं या चंचल आंखें हैं। ये इंद्रियां चंचल इंद्रियों वाला मनुष्य है या स्थिर इंद्रियों वाला मनुष्य है। ये ठीक है, छुपाने वाले छुपा भी लेंगे, लेकिन ये ब्राह्मण परिवार तो ऐसा शीशा है जिसमें कोई कितना भी छुपाना चाहे छुप नहीं सकता। यहां मायावी आत्माएं प्रवेश करके कार्य करती हैं। ऐसी बुद्धि घुमा देती है जो छुपाने वाली बात भी छुप नहीं सकती। और प्रवेश करने वाली आत्माओं की संख्या कम नहीं है, ढेर की ढेर अकाले मौत होने वाली है। जो अकाले मौत में मरते हैं वो सूक्ष्म शरीर धारण करने वाले भूत प्रेत बनते रहते हैं। प्रवेश करेंगे, बुद्धि को खराब कर देंगे, और जो आदत पड़ी हुई होगी इंद्रियों को चलायमान करने की, वो आदत बाहर आ जाएगी। हमें तो बी बी के है और बी के है, इनमें ज्यादा पहले घुसेंगी अन्य है। बी बी के में घुसेंगी पहले आत्मा है ज्यादा कि पहले बी के में घुसेंगी ज्यादा? बीके में ज्यादा सन्यासी हैं या बी पी बी के में ज्यादा सन्यासी हैं? ज्यादा सन्यासी बीके में। तो जो सन्यासी हैं बीके में, वो उन्होंने कंट्रोल करने की ज्यादा प्रैक्टिस की है या पी बी के वालों ने ज्यादा प्रैक्टिस की है? है? पीवी के वालों ने ज्यादा प्रैक्टिस की है। वो गृहस्थी में रहते हैं, कीचड़ में रहे पड़े हैं, वो गृहस्थी में नहीं है, तो ज्यादा कौन गिरेगा? पीवी के ज्यादा गिरते हैं तो ज्यादा पतित हुए। जो ज्यादा पतित होते हैं उनमें ही ज्यादा प्रवेशता होती है। फिर एक बात और भी है, जो बीके वाले हैं उन्हें बाप की पहचान नहीं है, भले पतित तो कम बनते हैं। सन्यासी ज्यादा हैं, पीबी के वाले पतित ज्यादा हैं, लेकिन उनको बाप की पहचान है। इसलिए पहचान होने के कारण चाहे तो ज्यादा याद करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जहां बाप की याद है वहां पाप आत्मा टिक नहीं सकेगी,
कोई में भूत आए उसकी आंखों में आंखें डाल के देखो बाबा की याद में बाघ खड़ा होगा। हाँ जी अपने युग में रामचंद्र जी कहा सीता जी से राम रामचंद्र कर गए ऐसा कलयुग आएगा रामचंद्र जी आज कहेंगे लक्ष्मण पांव दबाएगा कौन युग में। तुमने राजगद्दी का चित्र देखा है? देखा है तो जो चित्र बने हुए हैं वो कहाँ की यादगार हैं? भगवान का अधिकार। अरे ये चित्र बने हैं वो संगम युग की यादगार हैं। संगम युग में लक्ष्मण बनने वाली आत्मा ने पांव के नीचे बैठ करके पांव दबाए होंगे पांव धोए होंगे या छतरी लगाई होगी ये दास दासी का कर्म किया होगा तो चित्र बनाया है कि राम को राजगद्दी मिलती है तो कृष्ण वाली आत्मा छत्र लेके छत्र छाया करती है शत्रुघ्न वाली आत्मा पांव दबाती है पांव धोती है। ये दिखाया गया है कि भरत वाली आत्मा पंखा लेकर के मक्खियां झाड़ती है मच्छर झाड़ती है मक्खी मच्छर दूर भागो नजदीक न आओ। जरूर उन्होंने ऐसे कर्म किए हैं संगम में जो सारी दुनिया के बीच उनकी ऐसी प्रत्यक्षता होती है कि ये आत्माएं दास दासी बनने वाली हैं। हैं तो भगवान के बच्चे लेकिन कर्म ऐसे किए हुए हैं कि भगवान को जब राजगद्दी मिलती है तो ये दास दासी का कर्म करते हैं। तो जिंदा रहो आंखें खोल के देखना फिर और हनुमान ने इतना दास का काम किया हनुमान इतना दास का काम किया राम से और उसकी महिमा ज्यादा राम से महिमा हनुमान की है कोतवाली है हनुमान हाँ राम का इतना सहयोग किया दास बना दिखाया गया है हाँ तो राम हनुमान की पूजा हाँ हनुमान की पूजा कौन सी युग में होती है पूछने वाले की पूछने वाले की बुद्धि ज्यादा कलयुग से प्रभावित है या द्वापर युग से प्रभावित है? अरे कौन सी युग से ज्यादा प्रभावित बुद्धि है? हनुमान से ज्यादा प्रभावित है। वो पूंछड़ी वाले की पूजा कलयुग में होती है वो तमो प्रधान युग है। जब भगत तमो प्रधान बन जाते हैं तो पूंछड़ी वालों और सूढ़ी वालों को भगवान मान लेते हैं असली भगवान को नीचे गिराए देते हैं। हनुमान शंकर जी क्या होता है साथ में बताते हैं फिर वही बात हनुमान जी शंकर जी के संपूर्ण अवतार हैं या अंशा बता रहे हैं कैसे अवतार हैं है? अंशा होंगे अंशा बता रहे हैं संपूर्ण संपूर्ण ही होता है। एक चुल्लू पानी ले उनमें से एक बूंद ले लें वो अंश कहा जाएगा ना के बराबर। हनुमान कोई दूसरी आत्मा नहीं है कृष्ण वाली आत्मा ही पवन पुत्र है। पवन हवा को कहा जाता है मिट्टी के पुत्र हैं गंध के
पार्वती ने स्नान किया तो जो गंध मलमल के निकाली ना, उस गंध से पैदा हुए। तो पार्वती पुत्र है, अम्मा पुत्र है, ब्रह्मा पुत्र। नहीं समझ में आया? वो अम्मा पुत्र है कि बप्पा पुत्र है? हैं? अम्मा पुत्र। यहाँ ज्ञान में अम्मा पुत्र कौन कहते हैं अपने को? हम अम्मा कुमार हैं, ब्रह्मा कुमार। उनसे पूछो तुम्हारे बाप का नाम क्या, वो हमें नहीं मालूम, हमारी अम्मा से पूछना। कुमारी में एक मध्य संकट पार्टी आ गया तो उसको भराते हैं और बहुत उसको डिस्टर्ब करते हैं और उनके लिए हमारे पूजा माते हम लोग खुशी बनाते हैं कि आ गया ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी कोई आ गया, जिसके तो उपचार वो लेते हैं। मतलब तो अपकारियों पर उपकार करना खराब बात है क्या? है आप किसके बच्चे हैं? आप उसके बच्चे हैं जो अपकारियों के ऊपर उपकार करता है, तो अच्छी बात तो है ना, उसे आपका भाग्य बनता है। भगवान के घर की घोषणा करे कि हमने भगवान का घर बनाया है, यहाँ सबकी सदगति होती है, इस दरवाजे पर आएंगे तो तुम्हारी सदगति हो जाएगी, फिर कोई आवे और उसको धक्का दे देवे, लात मार के भगा देवे, लत्संग कर देवे, तो दुनिया वालों में और उनमें क्या अंतर रह गया? कोई अंतर रह गया? कोई अंतर नहीं रह गया। वो लत्संग है और आपका आपका सत्संग है। राजीव भाई कौन सा है? राजीव भाई ब्रह्मा कुमारी का जो जाति है माउंट वहाँ पर एडवांस में उनका फोटो उनका साइन किया लेकर 50 लाख का ये गई है, ये सब गई है। कहाँ महाराष्ट्र है उधर डिस्टर्ब कर रहा है? कहाँ राजू भाई है? हाँ। चालीस गाँव के बाद में जा करके तो जो ब्रह्मा कुमारियाँ जो कोई अपना कोर्ट के एडवांस का की हुई है वहाँ के उनका वहाँ से निकाल कर उनका साइन उनका फोटो और उनका कैसे लिया था प्रचार करता ये सब गई है, क्या कह रहे हैं ये? हाँ मैंने भट्टी किया हुआ है। हाँ मतलब ज्ञान सुनाते हैं बाबा के कहने मतलब ये है जो जीविके में कोई राजू भाई बाबू महाराज हाँ काशी में जहाँ की बच्ची जाती है हाँ जो आत्माएं भट्टी कर गई है उनका निकाल करके सबको बताता है, प्रचार करता है ये लोगों ने भट्टी की है, फोटो दिखाता है, पेंसिल दिखाता है, टाइम दिखाता है। हाँ तो जिनका फोटो दिखाता है उन लोगों से लड़ाई की होगी? ये तो लड़ाई है भाई, तुम उनको मुंह बंद करोगे? तुम ये ज्ञान मत सुनाओ इधर। मान लो कोई ब्रह्मा कुमारी है, ब्रह्मा कुमारी आकर के भट्टी कर लेती है एडवांस में, फिर वो जाकर के चुप हो जाए। जिस सेंटर में वो ब्रह्मा कुमारी तैनात है उसी सेंटर में अगर गांव वाले कोई निकलते हैं
और वो भी आके भट्टी कर लेते हैं, गीता पाठशाला जमा देते हैं, और उनकी गीता पाठशाला में अगर वो ब्रह्मा कुमारी जाके डिस्टर्ब करेगी, तुम ये ज्ञान नहीं सुनाओ, तो वो तो कहेगा कि तुम भी तो सुन के आई हो। तो ये तो लड़ाई है भाई, युद्ध है। वो कहेंगे तुम झूठे, वो कहेंगे तुम झूठे। अब फैसला तो धर्मराज की सभा में होगी कि दोनों में से झूठा कौन और सच्चा कौन। जो भट्टी करती है, साइन करती है, वहाँ पर बनता है, वहाँ से लिया करके उसका प्रचार करता है। उनको उनकी कापी नहीं दी जाती है, कापी उनको दी जाती है। हाँ, लेकिन दूसरा भाई का निर्णय उसका प्रचार करेगा। उनका जानकार कोई दूसरा वहाँ बैठा होगा, सरेंडर बहन या भाई, वो वहां से निकालेगा। आप क्या समझते हैं बाबा ये कहेंगे कि दूसरे का फोटो निकाल के तुम बाहर दे दो? ये तो अभी कोई राम राज्य थोड़ा ही आ गया, अभी भी रावण राज्य है या राम राज्य है? अरे मिनी मधुबनों में भी माया रावण आता है या नहीं आता है, बोलो? आता है। अभी इस दुनिया में कहीं भी राम राज्य नहीं है, राम का अपनी घरवाली के ऊपर राज्य ही नहीं है, तो दुनिया के ऊपर राज्य कैसे हो जाएगा? ये तो भांति भांति के बच्चे हैं। और ओम शांति।